महाभारत दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य ग्रंथ है, जिसे भारत का सबसे ऐतिहासिक और दार्शनिक ग्रंथ माना जाता है। हिंदुओं के इस प्रमुख काव्य ग्रंथ को हिंदू धर्म में पंचम वेद माना गया है। महर्षि वेद व्यास ने समस्त विवरणों के साथ महाभारत ग्रंथ की रचना की थी। हिंदू धर्म में मान्यता है कि महाभारत में उल्लेखित घटनाएं सत्य और प्रमाणित है, लेकिन दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो इन सभी घटनाओं को काल्पनिक मानते हैं। महाभारत सच है या झूठ, ये उलझन अक्सर लोगों के बीच में बनी रहती है, लेकिन आज हम कुछ पौराणिक और वैज्ञानिक सबूतों के आधार पर ये साबित कर देंगे कि महाभारत सच है। तो चलिए फिर जान लेते हैं थोड़ा सा महाभारत के सबूतों के बारे में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करने और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले बात करते हैं कुरुक्षेत्र की लाल मिट्टी की। दोस्तों, ये तो हम सब जानते ही हैं कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था, जो आज भी हरियाणा राज्य में स्थित है। कहा जाता है कि तबाही ला देने वाले उस महाभारत के युद्ध में इतना खून बहा था कि वहां की धरती आज भी लाल है। पुरातत्व वैज्ञानिकों ने भी माना है कि महाभारत की घटना सच में घटी थी, क्योंकि उस जगह पर लोहे से बने तीरों और भालों को जमीन में गड़ा पाया गया है, जिनकी जांच पड़ताल करने पर उन्हें 2800 ईसा पूर्व का बताया गया है, जो कि लगभग महाभारत काल का समय ही था। अब बात करते हैं अर्जुन के चक्रव्यूह की। आपने महाभारत में अर्जुन के चक्रव्यूह के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस चक्रव्यूह का एक जिंदा सबूत भी मौजूद है? जी हाँ दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर जिले के नीचे बसा हुआ एक राजनोवा गांव है। ये एक ऐतिहासिक स्थल है और ये इसलिए मशहूर है क्योंकि अज्ञातवास के दौरान पांडव यहीं पर आकर रुके थे। इसी समय में अर्जुन ने चक्रव्यूह का ज्ञान प्राप्त किया था और उसे एक पत्थर पर उकेरा भी था, जो आज भी वहां पर मौजूद है। इस चक्रव्यूह को ध्यान से देखें तो अंदर जाने का रास्ता तो साफ दिखाई देता है, लेकिन बाहर आने का कोई रास्ता नहीं मिलता है। इस जगह को पीपलू किले के नाम से जाना जाता है, जो आज भी वहां पर मौजूद है। ब्रह्मास्त्र और आज के न्यूक्लियर वेपन। महाभारत में आपने ब्रह्मास्त्र नाम के एक भयानक अस्त्र के बारे में सुना ही होगा। ये अस्त्र धर्म और सत्य को बनाए रखने के लिए ब्रह्मा जी द्वारा बनाया गया था और ये एक विनाशकारी परमाणु हथियार था, जिसे केवल दूसरा ब्रह्मास्त्र ही रोक सकता था, और जो इसे छोड़ता था वो इसे वापिस लाने की क्षमता भी रखता था। रामायण में जब लक्ष्मण ने मेघनाथ पर ब्रह्मास्त्र का प्रहार करना चाहा, तो भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को ये कहकर रोक दिया था कि अभी इसका उपयोग करने का सही समय नहीं है, क्योंकि इससे सारी लंका तबाह हो जाएगी और बेकसूरों की जान चली जाएगी। नहीं लक्ष्मण, ब्रह्मास्त्र अत्यंत विनाशकारी है, शास्त्र उसके प्रयोग की आज्ञा हर परिस्थिति में नहीं देता। ये अस्त्र रामायण और महाभारत के काल में सिर्फ गिने चुने योद्धाओं के पास ही होता था। रामायण में ये अस्त्र लक्ष्मण के पास था और महाभारत में ये द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कृष्ण, युधिष्ठिर, कर्ण और अर्जुन के पास था। माना जाता है कि ये अस्त्र इतना अचूक और ब्रह्मकार होता था कि ये पूरी दुनिया को तबाह करने की ताकत रखता था। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको ये सब बातें क्यों बता रही हूँ। असल में इसकी प्रमाणिकता तब सामने आई जब अमेरिका के जे रॉबर्ट ऑफनहाइमर को परमाणु बम बनाने के लिए दिया गया। उस दौरान रॉबर्ट ने महाभारत काल के ब्रह्मास्त्र की क्षमता का भी शोध किया। 1939 से 1949 के बीच अमेरिका के वैज्ञानिकों की टीम इस पर काम करती रही और 16 जुलाई 1945 को इसका पहला परीक्षण किया गया और धमाके का परिणाम बिल्कुल वैसा ही था जैसा पौराणिक ग्रंथों में ब्रह्मास्त्र के बारे में बताया गया था। और इस परीक्षण के बाद वैज्ञानिकों ने भी माना कि इस तरह के शस्त्र का इस्तेमाल महाभारत में भी किया गया था। इस बॉम्ब के सफल परीक्षण के बाद रॉबर्ट गीता का श्लोक पढ़ते हुए रोने भी लगे थे। जिन वैज्ञानिकों ने परमाणु बम का आविष्कार किया है वो लोग तो मानते हैं कि महाभारत हुआ था, लेकिन हमारे देश में कुछ धर्म विरोधी लोग इस महान इतिहास को और धर्म युद्ध को सिर्फ एक कहानी मात्र मानते हैं। भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी। भगवान श्री कृष्ण द्वारिका नगरी के राजा थे और महाभारत में इस बात की जानकारी भी मिलती है कि ये नगरी जलमग्न हो गई थी, यानी कि ये पूरा नगर पानी में समा गया था।
लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि पुरातत्व विभाग को गुजरात के पास समुद्र के नीचे एक पुराना शहर मिला है और उसके प्रमाणों से पता चलता है कि ये वही द्वारिका नगरी है जिसका उल्लेख महाभारत में किया गया है। तो क्या आपको लगता है कि वाकई में ये श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी है? अगर आपको ऐसा लगता है तो हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। केदारनाथ और पशुपतिनाथ मंदिर। पौराणिक कथा के अनुसार जब महाभारत के युद्ध में पांडवों द्वारा अपने रिश्तेदारों का रक्त बहाया गया था तो भगवान शिव उनसे बेहद क्रोधित हो गए थे। ऐसे में श्री कृष्ण के कहने पर सभी पांडव भगवान शिव से माफी मांगने के लिए निकल पड़े। काशी में पांडवों को देखकर भगवान शिव वहां से विलुप्त हो गए और एक अन्य स्थान पर चले गए। आज उस स्थान को केदारनाथ के नाम से जाना जाता है। शिव का पीछा करते करते पांडव भी केदारनाथ पहुंच गए, लेकिन भगवान शिव उनके आने से पहले ही भैंसे का रूप लेकर वहां खड़े भैंसों के झुंड में शामिल हो गए। पांडवों ने महादेव को पहचान लिया, लेकिन भगवान शिव भैंसे के रूप में ही भूमि के अंदर समाने लगे। तब भीम ने अपनी ताकत के बल पर भैंसे रूपी महादेव को गर्दन से पकड़कर धरती में समाने से रोक लिया। तब भगवान शिव को अपने असली रूप में आना ही पड़ा और फिर उन्होंने पांडवों को क्षमादान भी दे दिया। इसके बाद भगवान शिव का सिर तो भूमि से बाहर आ गया था, लेकिन उनकी देह केदारनाथ पहुंच गई थी। आपको बता दें कि जहां उनका देह पहुंचा था वो स्थान केदारनाथ के नाम से आज भी प्रसिद्ध है और जहां उनका सिर था वो जगह पशुपतिनाथ मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। ये दोनों मंदिर आज भी मौजूद है। अगर ये मंदिर आज भी है तो फिर ये बात साफ है कि महाभारत भी हुआ था। लाक्षाग्रह। दोस्तों, लाक्षाग्रह के बारे में अगर आप महाभारत के बारे में थोड़ा सा भी जानते हैं तो आपने सुना ही होगा, क्योंकि लाक्षाग्रह की महाभारत में एक महत्वपूर्ण भूमिका है। कौरवों ने पांडवों को जलाकर मारने के लिए ही लाक्षाग्रह की साजिश को रचा था, लेकिन पांडव एक सुरंग के माध्यम से सुरक्षित बाहर आ गए थे। कहते हैं कि ये सुरंग आज भी उत्तर प्रदेश के बरनावा नामक स्थान पर मौजूद है। महाभारत को सत्य प्रमाणित करने के लिए कुछ सबूत और भी हैं, जैसे कि महारथी कर्ण का अंगराज्य। कुंती के सबसे बड़े बेटे दानवीर कर्ण अंग देश के राजा थे, जो उनको दुर्योधन द्वारा उपहार स्वरूप भेंट में दिया गया था। उस समय का अंग देश आज उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के नाम से जाना जाता है। साथ ही जरासंध द्वारा अपने राज्य के कुछ हिस्सों को कर्ण को दिए जाने की बात भी कही जाती है, जो आज बिहार में मुंगेर और भागलपुर जिले के नाम से जाने जाते हैं। अब इन स्थानों में कितनी सच्चाई है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उन राज्यों का नाम आज भी वहां पर है जहां कल था, जिसे चाहकर भी नहीं बदला जा सकता। दोस्तों, बात महाभारत की हो और गीता का जिक्र ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हिंदू धर्म में प्रमुख ग्रंथ के तौर पर भगवत गीता को देखा जाता है। आपने अगर कभी गीता पढ़ी होगी तो आप ये बात अच्छी तरह से जानते होंगे कि गीता के वचन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं लिख सकता। ये बात तो सभी जानते हैं कि गीता के वचनों को श्री कृष्ण ने महाभारत में अर्जुन को सुनाया था, और अर्जुन थे पांडव और पांडव थे तो फिर महाभारत भी था। दोस्तों, वैज्ञानिक खुद इस बात को मानते हैं कि महाभारत हुआ था, लेकिन हमारे देश के कुछ धर्म विरोधी लोग हैं जो इस महान ग्रंथ को सिर्फ एक कहानी मानते हैं। आपको क्या लगता है, ये सिर्फ एक कहानी है या हकीकत है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता ही है। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।